खरगोन जिले के मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के चोली रोड पर सरदार पटेल निजी स्कूल के छात्रावास के कमरे में अवैध शराब का जखीरा मिला है। यहां पदस्थ एक निजी शिक्षक सागर सस्ते द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ हॉस्टल में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था। जब इस बात की जानकारी महेश्वर स्थित आबकारी विभाग के अधिकारियों को मिली तो टीम द्वारा हॉस्पिटल पहुंचकर कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से 21 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। इस मामले में आरोपी शिक्षक सहित कार से शराब प्रदाय करने वाले एक अन्य आरोपी प्रदीप केवट को भी गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान आरोपी शिक्षक सागर से पूछताछ में उसने बताया कि उक्त शराब मेरे यहाँ प्रदीप केवट निवासी मंडलेश्वर द्वारा वाहन मारुति स्विफ्ट से लाकर दी है। कार्यवाही में जब्त अवैध मदिरा व प्रयुक्त वाहन का कुल अनुमानित मूल्य 7,84,500 रुपए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। सरदार वल्लभ पटेल इंटरनेशनल स्कूल में छात्रावास बना हुआ है, छात्रावास के अंदर एक शिक्षक रहते थे। वो शिक्षक शिक्षा के साथ साथ अवैध शराब के व्यापार में लिप्त थे और उन्होंने वहां पर शराब रख रखी थी। इसकी सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई और उनके कब्जे से 21 पेटी शराब जब्त की गई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह जितेंद्र मकवाना निवासी नवलपुरा एवं प्रदीप केवट निवासी नवलपुरा के साथ मिलकर ये काम करते हैं। प्रदीप केवट द्वारा शिफ्ट मारुति कार से शराब लाकर दी गई थी और शराब को प्रदीप ही ले जाकर के जितेंद्र के माध्यम से बेचता है। इस आधार पर आरोपी सागर पिता पोपट राव निवासी महाराष्ट्र हाल मुकाम सरदार पटेल छात्रावास मंडलेश्वर को गिरफ्तार किया गया। उसी की निशानदेही पर प्रदीप पिता मुकेश केवट निवासी नवलपुरा को गिरफ्तार किया गया एवं प्रदीप के कब्जे से जिस वाहन द्वारा मदिरा लाई गई थी उस स्विफ्ट कार को भी जब्त किया गया। उक्त कार्रवाई में प्रदीप द्वारा बतलाया गया कि वह शराब अखिलेश जायसवाल निवासी डेढ़गांव से मंगवाता है और यहां पर जितेंद्र के साथ मिलकर बेचता है। उक्त कार्रवाई में करीब 21 पेटी देसी शराब जब्त की गई व वाहन जब्त किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।